हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल. वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश चंकीज. आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी स्टेइंग एट योर होम्स. सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेसिक ग्रामर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्रामर इज द आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स इन द राइट प्लेसेस. सो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज अल्फ़ाबेट, जो कि 26 लेटर्स से मिलकर बनता है, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट. जो वॉवल्स होता है दैट इज ए ई आई ओ यू, और जो रेस्ट 21 होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट में आते हैं. अब जब आपने शुरुआत की होगी अपनी लाइफ की और स्टार्ट किया होगा कुछ भी पढ़ना या बोलना इंग्लिश, तो हमने शुरुआत ही किससे की थी, अल्फा बैट से. तो ये हमारा सबसे मेन जो सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक होता है दैट इज अल्फाबेट. और सेकंड टॉपिक इज लेटर. तो जैसे कि अभी हमने देखा कि अल्फाबेट में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स से मिलकर हमारा अल्फाबेट बनता है. तो एक्चुअली में लेटर होता क्या है? लेटर हमारा बेसिक यूनिट होती है अल्फ़ाबेट की, जिसकी हेल्प से हम वर्ड बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये सब हमारे लेटर्स हैं. तो लेटर हमारी अल्फ़ाबेट की सबसे छोटी यूनिट होती है, क्योंकि हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारे ये अल्फ़ाबेट की सबसे छोटी यूनिट होती है. उसके बाद हम होता है हमारा सेकेंड टॉपिक वर्ड. जैसे कि हमने अभी देखा कि लेटर्स से हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं. तो वर्ड एक्चुअली में होता क्या है? वर्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर्स. दो या दो से ज़्यादा लेटर को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमारा वर्ड बनता है, बट उसका कोई ना कोई कंप्लीट सेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एप्पल हमारा वर्ड हो गया. इसमें क्या है, हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन को हम डिवाइड कर सकते हैं इन थ्री पार्ट्स, पी ई एन. इसीलिए लेटर जो है हमारी सबसे छोटी यूनिट है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एंड वर्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं लेटर्स में. इसके बाद आता है सेंटेंस, जो कि हम जब एक या दो से दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ मिलाते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है, और उसका भी कोई ना कोई सेंस ज़रूर होना चाहिए. हमें इस तरीके से अपना सेंटेंस को क्रिएट करना है. फॉर एग्जाम्पल राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है. तो मैंने इसको इस तरीके से कंबाइन किया है कि इसका कोई सेंस बन रहा है. अगर मैं वही राम गुड बॉय इज़ ए कर देती तो इसका कोई सेंस नहीं बनता. तो हमें वर्ड्स को इस तरीके से मिलाना है कि उसका कोई ना कोई सेंस ज़रूर होना चाहिए. सेंटेंस हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. सो सब्जेक्ट हमारा मेन रोल प्ले करता है सेंटेंस में. ये एक्चुअली एक पिलर की तरह काम करता है सेंटेंस में. ये कॉमनली इंडिकेट करता है व्हाट और हु. फॉर एग्जांपल मेरा सेंटेंस के लिए एग्जांपल है राम इज़ अ गुड बॉय. तो कैसे पता चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? सो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा लाइक हु इज़ गुड बॉय, आंसर इज़ राम. सो राम क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट. सो विदाउट राम मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, इसीलिए ये पिलर की तरह काम करता है. उसके बाद आता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट मेरा सेंटेंस का एक पार्ट होता है, जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर क्या है. और इसमें हमारी दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक वर्ब और दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट. इन दोनों के साथ मिलकर प्रेडिकेट बनता है. सो हमारे दो टॉपिक होते हैं दैट इज़ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो वर्ब हमारा एक ऐसा वर्ड है जो डिनोट करता है एक्शन, स्टेट, कंडीशन और पोजिशन को. वर्ब एक्चुअली में बहुत ही वास्ट टॉपिक है, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी कैन से फंक्शनिंग एज अ नाउन और प्रोनाउन. एक्चुअली में क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं हमारे. सो ऑब्जेक्ट को हम पता कैसे कर सकते हैं कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या? तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट या फिर हम हुम का यूज़ कर सकते हैं वर्ब के साथ. फॉर एग्जांपल सीता लाइक्स स्वीट्स,
तो ये मुझे पता करना है कि मेरे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा वॉट या फिर होम मेरे वर्ब के साथ। जैसे कि आई कैन आस्क वॉट सीता लाइक्स, तो यहाँ पे सीता को क्या पसंद है, स्वीट्स, तो स्वीट्स क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड आई विश यू ऑल आर हैप्पी फिट एंड फाइन वेर एवर यू आर। दिस इज़ कृष्णा शाइनिंग आउट, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय।